हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करने के लिए यहां पर मैं एक्सेस टाइप करता हूं और एक्सेस पर क्लिक कर देता हूं। एक्सेस की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और जैसे ही एक्सेस की एप्लीकेशन ओपन होगी तो यहां पर अब हम बात करेंगे अपर केस की और लोअर केस की। यानी कि अगर आपके पास जैसे मान लीजिए यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया और ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्रिएट पर कर दिया क्लिक, जैसे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सिनेरियो आता है। यहाँ पर हमें व्यू पे क्लिक करना है और डिजाइन व्यू पे आना है और यहाँ पे टेबल वन नाम ही रहने देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो ये लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट के नाम हम टाइप करेंगे ना वो अपर केस में या लोअर केस में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट टेक्स्ट रख करके यहाँ से यस कर देते हैं और यहाँ पर फिर क्या करना है, इसको नेम ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पर अब लिखना है नाम। तो जैसे मान लीजिए मैं पूरा अपर केस में लिखता हूँ, ठीक है, तो ये लिखा राजकुमार सिंह, कुछ इस तरीके से लिख दिया। आप देखिए ये पूरा नाम अपर केस में है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखता हूँ राजू MISHRA मिश्रा, तो ये भी अपर केस में है, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं अगले लाइन में और यहां पर लिखते हैं कुंदन, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा ही अपर केस में मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक छोटी सी क्वेरी हम बनाएंगे। यहां से क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, जैसे ही जाएंगे तो यहां ऐड करवाएंगे इस टेबल को और यहां सिर्फ नेम ऑफ स्टूडेंट की ही जरूरत है तो यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट ले लिया। देखिए ये एल केस हो गया, ठीक है। अब इसको रन कराएंगे तो ये पूरा लोअर केस में हो जाएगा। ये देख सकते हैं अपर केस में लिखा था, लोअर केस में हो गया। अब लोअर केस से वापिस से अपर केस करना है तो फिर एक क्वेरी बना लेते हैं। यहां से चल करके क्वेरी डिजाइन पे आए और यहां से ये ले लिया हमने। और देखिए इस क्वेरी में अब ये ऑलरेडी अपर केस में है तो इसके लिए हम एक टेबल ही बना लेते हैं। टेबल आ गया है, अब इसमें मैं क्या करूंगा लोअर केस में लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा और ये भी हम क्या रखेंगे लोअर केस रखेंगे, पूरा का पूरा लोअर केस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे पूरा लोअर केस ही मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, एक नाम लिख दिया मोनिका, ठीक है, राजेश, ठीक है, फिर यहाँ सुरेश, तो ये देखिए पूरा लोअर केस में मैं लिखता चला जा रहा हूँ, ठीक है, सोमेश, तो ये सब लोअर केस में ही है। अब इसको यहां से सेव करिए, सेव करके यहां से इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं फिलहाल। तो अभी हम ये जो टेबल टू बनाया इसी की क्वेरी बनाएंगे, तो क्रिएट पे चलेंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और टेबल टू के लिए क्वेरी बनानी है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहां पर जाकर के यहां से नेम ऑफ स्टूडेंट ले लिया और यहां पर अब मैं करूंगा यू केस यानी अपर केस, तो ये अपर केस कर दिया और यहाँ पे लिखेंगे यू केस कुछ इस तरीके से। और यू केस लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो ये लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया और इसको बंद कर दिया। यहां से इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये पूरा ही अपर केस में हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि इस बात समझ में आई होगी कि ये किस तरीके से आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इस तरीके के चेंजेस करने हो सॉफ्टवेयर बनाते समय तो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।